आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस शेयर के बारे में, जहां पे अदानी टोटल गैस शेयर में देखिए आज का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा है एंड अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स बन रहा है उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं अदानी टोटल गैस में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, जो भी यहाँ पे एक एक करके जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें 757 रुपये पर शेयर आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पे 0.013% की गिरावट में कह सकते हो कि दिख रहा है हमें अकॉर्डिंग टू एन सी। अगर बात की जो भी यहाँ पे ओपन करेंगे हम गूगल पे तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिला है, कोई न तेज़ी उतना बड़ा ना उतना बड़ा कोई गिरावट यहाँ पे। बात करेंगे पिछले 5 दिन में तो पिछले 5 दिन में लगभग 1% 0.99% के गिरावट में यहाँ पे क्लोजिंग दिखने को मिला, मतलब जो पिछले 5 दिन में इतना गिरावट हमें दिखने को मिला है यहाँ पे शेयर में। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए शेयर में एक लेवल था जो कि 800 का लेवल था, काफ़ी मेजर यहाँ पे लेवल नज़र आ रहा था हमें, जहाँ पे काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रेंज था अगर देखा जाए तो 800 का लेवल, और उसको ब्रेक किया, उसको भी ब्रेक किया 800 के लेवल को और उसके बाद और भी नीचे निकल के आते हुए हमें दिखा शेयर यहाँ पे। पिछले 6 महीने के प्राइस चार्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, गिरावट फिर थोड़ा पुल बैक और फिर जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके फिर और गिरावट, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करके और गिरावट, फिर थोड़ा पुल बैक तेजी, फिर गिरावट, प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, फिर थोड़ा तेजी आ रहा है, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, ऐसे लगातार गिरावट चल रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में लगातार शेयर चल रहा है पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो यहाँ पे। अब इसके ऊपर बेस करके देखिए आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स नहीं होता है, ये जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है लगातार, ये ट्रेंड जो है जब तक रिवर्स यहाँ पे नहीं होता है अपसाइड में तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, बिकॉज वहीं देखने को मिल रहा है कभी कभी इतना ज़्यादा तेजी हो जा रहा है, 10% 15% की तेजी, उसके बाद फिर गिरावट हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ आप नोटिस करके चलिए इसमें अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल, जो भी मतलब जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेंगे कि करके इसी वीडियो में। अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला क्या कि अगर आप वोलेटिलिटी से दूर रहना चाहते हो तो अदानी ग्रुप से आप दूर रहे हो, वो अलग की बात है। अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, बिकॉज अदानी ग्रुप काफ़ी वोलेटाइल रहता है, चाहे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी वोलेटिलिटी रहता है। इसी स्टॉक की बात करें पिछले 1 साल का प्राइस चार्ट देखेंगे, ये वोलेटिलिटी आप देख सकते हो, एकदम से वोलेटिलिटी आप इतना बड़ा देख सकते हो जो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी वोलेटिलिटी एकदम से काफ़ी बड़ा, कभी कभी आपको एकदम तेजी निकल के आते हुए दिख जाएगा और एकदम से बड़े बड़े गिरावट भी आपको निकल के आते हुए दिख जाएगा। तो एकदम चाहते हो स्टेबिलिटी रिटर्न आपको मिले तो अदर स्टॉक भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, बट आप वोलेटिलिटी से दूर रहना चाहते हो तो इस स्टॉक मतलब अदानी ग्रुप स्टॉक में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी हमें काफ़ी देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट क्या है तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन, कोई न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ अगर चल रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं एक रिस्क वाला जोन भी होता है। एकदम फ्रेश स्टॉक में कोई भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ एकदम क्लियर है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ हमें रिटर्न दिखने को चांसेस ज़्यादा होता है। एज़ कम्पेयर टू मान लीजिए किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ पड़ा हुआ है ऐसा जहाँ पे शेयर में गिरावट होने का संभव मतलब संभावना है, और एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कोई न्यूज़ ऐसा नहीं है जहाँ पे गिरावट होने का संभावना है, कोई ऐसा भी न्यूज़ नहीं है जहाँ पे तेजी होने का संभावना है, फिर भी शेयर स्टेबल चलेगा, थोड़ा ऊपर चलेगा, थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिसमें कोई न्यूज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ क्लियर है। वहीं पे जिसमें संभावना है गिरावट का वहाँ पे हो सकता है तेज़ी भी दिखने को मिल रहा है, अलग की बात है, बट गिरावट भी होगा तो चांसेस तो हैं यहाँ पे गिरावट के, तो उतना भी रिस्क हम क्यों लें जब मार्केट में और बहुत सारा स्टॉक आपको ऑप्शंस दिखने को मिल जाएगा। अदरवाइज देखिए अब ओपिनियन आपका है, मेरा ओपिनियन जो था मैंने बता दिया। बाकी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और कुछ रिटर्न भी ले रहे हैं नीचे के प्राइस से। मान लीजिए यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा मतलब कह सकते हो 950-900 के प्राइस के आसपास, 1000 के ऊपर 1100 के ऊपर जब निकाले होंगे तो थोड़ा रिटर्न तो जरूर मिला होगा। वहीं में गिरावट में भी काफ़ी लोग रिटर्न ले लेते हैं अपसाइड की ट्रेड लेके, तो उसके लिए आपको टेक्निकल पे ध्यान देना पड़ेगा और भी कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट करना इस शेयर में, या फिर कह लो रिटर्न मिलता भी है, और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे लगता है कमेंट काफ़ी सारे नेगेटिव निकल के आते हुए हमें दिख जाते हैं कि हमने तो लॉस बुक कर लिया, बेकार है स्टॉक या फिर जो भी है, मतलब काफ़ी सारे कमेंट हमें दिखने को मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे आज के दिन का, जो भी आप देख सकते हो लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस, मतलब जितना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ आज का डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्वांटिटी जितना ट्रेड हुआ उसमें से लगभग 17.73%
मतलब 17% से थोड़ा ऊपर का कह सकते हो डिलीवरी परसेंटेज में देखने मिला है, 18% थोड़ा कम, 17.73% का डिलीवरी परसेंटेज आज के दिन शेयर में देखने मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अदानी टोटल गैस के रिलेटेड, तो जो डेट है कंपनी के ऊपर यानी जो कर्ज है कंपनी के ऊपर, 1471 करोड़ 49 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज है, 1471 करोड़ 49 लाख कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी पास जो कैश यहाँ पे है 452 करोड़ 3 लाख, 452 करोड़ 3 लाख का कंपनी के पास यहाँ पे कैश है। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए टिकर टिकर फिनोलॉजी, जो डेट है कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसके मुताबिक कैश कंपनी का काफ़ी कम है देखा जाए तो, यहाँ पे लगभग 3 गुना से भी, लगभग कह सकते हो कि 3 गुना लगभग कम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कह सकते हो कि कंपनी के पास कैश कम है बट कंपनी के ऊपर जो डेट है कर्जा है ज़्यादा है, ज़्यादा है। बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के, मतलब ज़्यादा क्या है, मतलब कैश के मुताबिक ज़्यादा है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी के मार्केट कैप के मुताबिक ज़्यादा है, कंपनी का जो कैश है मतलब 452 करोड़ का उसके मुताबिक वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्या लेवल बन रहा है वीडियो पर लास्ट तक आप देखते रहिए। देखिए शेयर में अगर आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दे सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल रहेगा, देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो प्राइस परफॉर्मेंस की शेयर में गिरावट हो रहा है, पुल बैक आ रहा है, फिर जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक कर रहा है गिरावट होकर, और फिर गिरावट हो रहा है, फिर एक पुल बैक आ रहा है, जो प्रीवियस लो है फिर से उसको ब्रेक कर रहा है, फिर एक ज़बरदस्त पुल बैक आ रहा है, फिर गिरावट हो रहा है, फिर जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेक कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे तो ये परफॉर्मेंस लगातार शेयर में हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर बेस करके आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, यानी अगर आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो लेवल रहेगा अगर आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिलता है 752 के आसपास जो लेवल है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। एटीजीएल शेयर में 752 के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे क्या हो सकता है 738 का, और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल आप कुछ इतना का ध्यान दे सकते हो 727 के आसपास। डाउन साइड में ये 3 लेवल आप ध्यान दीजिएगा। अप साइड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा अप साइड में हमारा, जो कि अगर आपको तेजी दिखने मिलता है तो आप ध्यान दीजिएगा 763 के आसपास, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे वो हमारा 772 का लेवल रहेगा। और ये कुछ अपसाइड के और भी कुछ लेवल्स यहाँ पे हैं 783 का लेवल। तो अपसाइड में कुछ 3 लेवल, डाउन साइड में कुछ 3 लेवल, अगर गिरावट होता है डाउन साइड में तेजी होता है अपसाइड में, कुछ ध्यान दीजिएगा अदानी टोटल गैस शेयर में। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। चलिए मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।